खुद को परफेक्ट बनाने की दौड़ में क्या आप भी दौड़ रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप एक सोसाइटी के फेक सिनेरियो में फिक्स नहीं हो पा रहे हो? क्या आपको लगता है आपकी स्किन का कलर अच्छा नहीं है, या आपको लगता है आपकी हाइट अच्छी नहीं है, या आपका वेट बहुत कम है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है? अपने आप को फिट बनाने की दौड़ अगर दौड़ रहे हो तो आज ही अभी थम जाओ। ये दौड़ दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। रुको, थमो, पॉज लो, अपने आप से प्यार करो और देखो फिर सब चीज़ें कैसे आपके लिए अरेंज होने लगती हैं। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज है सेल्फ लव सीरीज़ प्लस एक्टिविटीज़ का डे 2। जैसे कि आप सब लोगों ने पता है कि यहाँ मैं आप लोगों को सेल्फ लव के बारे में बता रही हूँ और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी करने के लिए दे रही हूँ। इन एक्टिविटीज़ को आप कंप्लीट करने के बाद आप मुझे इंस्टा में, मेरी इंस्टा आईडी है सीक्रेट आस्था, वहाँ पे DM कर सकते हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी की फ़ोटो भी मुझे DM में सेंड कर सकते हो। ये एक्टिविटी नेक्स्ट 10 डेज चलेगी और जो ये एक्टिविटी को पूरी ईमानदारी से अपनी लाइफ में अगले 10 दिनों तक कंप्लीट करेगा उसको मिलने वाला है नेक्स्ट 10 डेज बाद एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज मेरी तरफ से। सो गाइस, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ? सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सेल्फ लव का सही मतलब है कि हमें खुद से ऐसे प्यार करना है कि हमें किसी और के प्यार की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तक आपके प्यार का कप पूरी तरीके से फिल रहेगा तभी आप किसी पर्सन को अपने अंदर से प्यार दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही इनकम्प्लीट हो तो आप किसी को कैसे प्यार दोगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स करी हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो क्यों हुई हैं? उनका अपना एक रीज़न है। पास्ट की सिचुएशन को गिल्ट की तरह लेना बंद करो। उस टाइम जो चीज़ सही थी आपने वो चीज़ करी, उस टाइम जो आपको सही लगा आपने वो किया। इस चीज़ से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो है अपने आप को हील करना। सो आज की डे 2 की एक्टिविटी है, उठा लीजिए अपनी पेन और कॉपी और लिख दीजिए अपने आप को एक ब्यूटीफुल सा लेटर। राइट अ लेटर टू योर यंगर सेल्फ, यानी कि अपने आप को लेटर लिखो। यंगर सेल्फ यानी कि अपने आप को ऐसा लेटर लिखो कि जो भी मिस्टेक्स आपने की है, इट्स नॉर्मल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सब अपनी ज़िंदगी में हज़ारों गलतियां करते हैं लेकिन उन गलतियों से हम कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। सो अपने आप को लेटर लिखो, और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को लेटर लिख सकते हैं। अपने आप को माफ़ करने के लिए आपको आज लेटर लिखना होगा। अब मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर देखिए, Dear old me, thank you for being yourself. Thank you for showing me that the bad days are actually the best fun because those are the ones that show how strong you are. अपने आप को लेटर लिखिए, जो बीता हुआ कल है जिसमें आप थे उस पर्सन को मैसेज लिखिए, अपने स्वयं को मैसेज लिखिए और बोलिए खुद से, कैसी हो तुम आस्था, जो हुआ सो हुआ, अब उस गिल्ट से बाहर निकलो। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बाकी है, तुमने अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और जो चीज़ हो चुकी है उन चीज़ों को के लिए खुद को माफ़ करो। आप इस तरीके से खुद को शॉर्ट एंड सिंपल लेसन लिख सकते हो, सिंपल लेटर लिख सकते हो। लेटर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, आप 10 से 12 लाइन के अंदर अंदर खुद को लेटर लिख सकते हैं। खुद का नाम लिखिए, डियर आस्था, कैसी हो तुम, आई होप तुम बहुत अच्छी हो। जैसे अपन किसी दूसरे को लेटर लिखते हैं, आपको खुद को लेटर लिखना है और खुद को माफ़ करते हुए लेटर लिखना है। सो ये लेटर लिखिए अपने डायरी में बहुत सुंदर तरीके से और सेंड कर दीजिए मुझे मेरी आईडी पे सीक्रेट आस्था। सो आई होप आप लोगों के लिए ये सेल्फ लव सीरीज़ और ये एक्टिविटी बहुत यूज़फुल हो रही होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप इन वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। याद रखें, जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली। खुद से प्यार करो, खुद को लेटर लिखो, खुद को अप्रिशिएट करो। आगे चल के ऐसी ढेर सारी फन एक्टिविटीज़ में ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।